विभीषण अच्छा आज मार उड़ा दूं खाल तेरी मंजा मंजा क्यों दे ये तुड़वा बुढ़ापे में अरे मेरे सामने बोलन की बता कैसे पड़ी मंजा समुंदर सोकण वाला हो गया दे बात बात पे दखल सकल मुझे ना भाती चंडाल तेरी आज मेरे सामने बोलन की बता कैसे पड़ी मजाल तेरी रागनी पसंद आ रही तो जोरदार ताली हो जानी चाहिए जोरदार ताली। एक नाम आया कि क्या अगस्त मुनि की ढाल समुंदर सोकण वाला हो गया। अगस्त मुनि का नाम वैसे तो विद्वानों का एक नाम है लेकिन सभा के बीच में सब तरह के सुरता है। ईमानदारी से वो हाथ उठा दे जो अगस्त मुनि का नाम जिन्होंने सुना जो जानते हैं अगस्त मुनि के बारे में हाथ खड़ा करके बता दे। दो चार लोग हैं कोई दिक्कत नहीं, जिसको जानकारी नहीं है उसको मैं बता रहा हूं। अगस्त मुनि एक ऐसे मुनि हुए कि एक बार समुद्र के किनारे से जा रहे थे और समुद्र के किनारे से गुजर रहे थे तो देखा कि एक टटीरी चौंच में मिट्टी भर करके लाती और समुद्र में डालती, फिर उसके बाद में वहां से फिर वापस जाती, फिर चौंच में रेत लेकर के मिट्टी लेकर के आती और फिर समुद्र के अंदर डालती। अगस्त मुनि ने देखा कि इस जीव के ऊपर कोई ना कोई संकट तो है, जो ये बार बार चौंच में रेत लेकर के मिट्टी लेकर के आती और समुद्र के अंदर डालती है। अगस्त मुनि ने उस जीव का दुख जाना, पूछा कि क्या परेशानी है, तो उस टटीरी ने परिचय करा दिया, बता दिया कि मेरे समुद्र के किनारे पर अंडे रखे हुए थे, समुद्र का उफान यानी कि बहाव बढ़ा, मेरे अंडे समुद्र में चले गए और अब मैं रेत ला करके इसलिए डाल रही हूं कि ये समुद्र किसी तरह से हल्का हो जाए, सोख जाए, मेरे अंडे मुझे मिल जाएंगे। उस समय साथियों उस जीव के ऊपर दया करते हुए अगस्त मुनि ने समुद्र देव का आह्वान किया, उन्हें पुकारा और उनसे विनती की कि आप अपना थोड़ा सा उफान थोड़ा सा बहाव कम कर लें, इस जीव के अंडे इसको मिल जाएंगे। लेकिन उस समय समुद्र भी अहंकार में आ गया और समुद्र ने कह दिया कि तेरे जैसे कितने ऋषि मुनि यहां से आते जाते हैं, जा अपना काम कर, तेरे कहने से मैं अपने समुद्र के बहाव को उफान को हल्का नहीं कर सकता। तो अगस्त मुनि को क्रोध आया और बताते कि एक चुल्लू में पूरा समुद्र अपने अंदर सोख लिया, जीव जंतु भूख प्यास से जो पानी के जीव थे वो व्याकुल होने लगे,
सभी देवी देवताओं ने आकर के प्रार्थना की कि आप ये क्या कर रहे हैं। समुद्र की भी एक मर्यादा हुआ करती है और वो अपनी मर्यादा में रह रहा है, ठीक है, उसको थोड़ा सा बहाव अपना कम कर लेना चाहिए था, लेकिन हम आपसे विनती कर रहे हैं ऐसा ना करें। तो फिर बताते हैं अगस्त मुनि ने अपने पसीने के द्वारा समुद्र के जल को बाहर निकाला और तब से ही समुद्र का जल खारी हो गया, ऐसा सुनने में आता है, विद्वान लोग बताते हैं। तो अगस्त मुनि एक ऐसे मुनि हुए जिन्होंने समुद्र का भी अहंकार खत्म करके दिखा दिया। एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। रावण भी कहता है विभीषण से कि विभीषण तू अब तो इतना बड़ा हो रहा है अगस्त मुनि की तरह हो रहा है, हमें तू जो हमारे ऊपर डांट पेल रहा है आज तुझे सारी याद दिला दूंगा, तू किसके ऊपर रह रहा है, किसके ऊपर यहां पर खा पी रहा, मौज उड़ा रहा है, ऐश कर रहा है, सुन मेरी बात को। सड़ाई रही नहीं मने बहुत करी बरदास बात अब और समाई रही नहीं, और समाई रही नहीं मने चार वेद छह पढ़े शास्त्र और पढ़ाई रही नहीं, उस घर सत्यानाश होए जहां छोट बड़ाई रही नहीं, छोट बड़ाई रही नहीं मेरे राज में खाखा मान विभीषण, मेरे राज में खाखा भीषण यो काया हो कि लाल तेरी मेरे सामने बोलन की मजा कैसे बड़ी मजाल तेरी, कैसे बड़ी मजाल तेरी। जिस दिन से सीता को लेकर के आया हूं मेरे ऊपर दांत धर रखा तुमने, नास में बैठ गए तुम इस लंका के पे, मैं समझा रहा हूँ नास पे तो तू बैठा है, तुम में भाइयों वाली वो बात ही नहीं रही। अच्छा, भाई को भाई की सपोर्ट करनी चाहिए, छोटे को बड़े की माननी चाहिए, बहुत बढ़िया, जो तू गलत रास्ते पर चल रहा है दूसरों की, अब तो तू ही हमें मार्गदर्शन कराएगा, औरतों को किडनैप करके ला रहा है, इस बात में तेरा साथ देते तो ठीक, वरना हम गलत, भाई के सामने उल्टा बकबक कर रहा है ये गलत। अच्छा, क्या करना क्या नहीं करना वो मैं जानता हूँ, मुझसे ज्यादा विद्वान है तू, विद्वानी है ज्यादा, बाकी मौखिक ज्ञान नहीं है तुझे, मौखिक ज्ञान भी बहुत ज्यादा मुझे, तुझे नहीं मुझसे ज्यादा, ना तो तू बलवान और ना विद्वान। हाँ ये तो और भी बता देंगे कि मैं बलवान ही ज्यादा से लग रहा हूँ थोड़ा सा, वैसे ही खा खा के काया पाड़ रखी है तेने, लाल हो रहा मार रहा ना रोजाना उठते हैं, छुआरे और बादाम चाहिए तुझे। अच्छा, 52 बादाम सुबह सुबह उठते हैं खा लेता, तेरी काया लाल हो रही है, आज तुझे बता दूंगा कैसे खाई करते हैं और कैसे रहा करते हैं। तू औरतों को उठाता हुआ ढोल, हम तो खैर बादाम छुआरे खा रहे हैं तो पर रोक लग रही है, औरतों को लेने के लिए तो तू जा रहा है इधर उधर से। मेरी मर्जी, मैं राजा हूँ, एक एक राजा के कई कई रानी नहीं रही। अच्छा हाँ, होश में आजा, होश में तुझे करूंगा अभी, सुन ले पकड़ थोड़ी सी। सीता लाया हो, 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 हो जिस दिन से मैं सीता लाया तू भारी भरा कसर में, घर घर मंगल गाए जा और होरी खुशी नगर में, हो, होरी खुशी नगर में, ओ भाई ना तू दुश्मन है मेरी, बरसे खून नजर में तेरे रहन की, अरे तेरे रहन की हूँ अब जगह नहीं इस घर में, जगह नहीं इस घर में, बीमार कमर में लात भाग, बीमार कमर में लात भाग, यहाँ नागड़ में दीवार तेरी मेरे सामने, भोजन की चिंता कैसे बड़ी मजाल तेरी, कैसे बड़ी मजाल तेरी। We'll be right back.
रहा है, रहता मेरी लंका में, खाता मेरी यहां पर सब कुछ, इतने दिन से तेरा सारा खर्चा पानी उठ रहा हूं और उसके बाद में आकर के मुझे धता बता रहा है। भाग जा लंका से, चला जा, उन्हीं की सपोर्ट कर जा करके जिनके बारे में तू सिफारिश लेकर के आया है। लात गधे चलाते हैं, अब गधा हो गए हो तू। मेरी बात सुन ले, लात गधे नहीं चलाते, अब तेरे दिमाग पर पूरी जो है गधे पीछे की तरफ लात मारते हैं। मिट्टी फिर गई है, मेरी सुन ले बात। अच्छा तू आगे मार रहा हूँ, बॉक्सिंग चला रहा हूँ। हाँ तुझे वो तो समझ ले, जमा के नहीं मारी, तेरे पीछे लात मारी, अगर भूल से आगे लग जाती तो खत्म कर देता तुझे। सुन ले मेरी बात को। सिंगरा